on Lagoon. Now that we have completed chapter number 1 explanation, we're gonna do the exercise of chapter number 1. First question is, how is hydrogen prepared commercially from coke? Coke basically it's carbon, yani ke carbon ke through hum log kis tarike se hydrogen ko prepare karte hain ya phir usi compound se separate karte hain. When steam is passed over red hot coke at about 10,000 degrees Celsius, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is produced. जब गर्म कोयले से हम लोग भाप वाटर को पास आउट करते हैं, जो उसमें से डालते हैं एट अराउंड द टेम्परेचर ऑफ 10,000 डिग्री सेल्सियस, तो एक मिक्सचर पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का, जिसको कंबाइन भी हम लोग वाटर गैस कहते हैं. तो इस तरीके से हम लोग आसानी से घर के अंदर कमर्शियली जो है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं. यानी एक गर्म कोयले से अगर आप भाप नीचे से आप लाइक पानी को उबाल रहे हो, ऊपर ग्रिल डाल के आप कार्बन कोयला जो है गरम गरम कोयला उसके ऊपर डाल दें, उसमें से जो गैस निकलेगा वो निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर निकलेगा, तो हम लोग हाइड्रोजन उसमें से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, गिव द बॉस्फ मेथड टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस. अब वाटर गैस यानी जो सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था अभी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का, उसमें से हम लोग हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. इस सेपरेशन मेथड को हम लोग कहते हैं बॉश मेथड. तो उसको हमें बताना है, वो एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम इज पास थ्रू वाटर गैस एट 500 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट. यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो वाटर गैस बन जाता है तो उसमें से और भी ज़्यादा स्टीम भाप उसमें से पास करते हैं, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर हम लोग लगते हैं 500 डिग्री सेल्सियस. कोयले के साथ कोक के साथ हम लोगों ने रखा था अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वाटर गैस तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग टेम्परेचर रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस. और हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन वाटर गैस ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज सोल्यूबल इन वाटर अंडर प्रेशर लिबरेटिंग प्योर हाइड्रोजन गैस. अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वाटर गैस के साथ ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है व्हिच इज डिसॉल्व्स इन वाटर. यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और जो निकलता है गैस वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस होता है. तो इस तरीके से हम लोग कार्बन वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन आइसोटोप्स, डिस्कस वेरियस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप्स क्या है वो एक्सप्लेन करना है हमें. यू हैव टू डिफाइन इट एंड देन यू हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. आइसोटोप जो होते हैं सब सेम एलिमेंट के होते हैं, उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, सिर्फ उनके पास डिफरेंट मास होता है, इसलिए उनका जो मास नंबर होता है इट डिफर्स. उनका जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है वो चेंज होता है, इसलिए इनका मास नंबर चेंज होता है. सो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम. Protium, it contains one proton in the nucleus and there is one electron present in the first orbit. One proton hai and one electron hai. It does not have neutrons. Neutrons nahi hai uske paas. Its atomic number is 1 and mass number is also 1. Uska atomic number bhi 1 hota hai aur mass number bhi 1 hota hai. Deuterium, it contains one proton in the nucleus and there is one electron present in the first orbit. इसमें भी वन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और फर्स्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन ही होता है, बिल्कुल प्रोटियम की तरह. इट हैज वन न्यूट्रॉन, लेकिन इसके पास वन न्यूट्रॉन मौजूद होता है जबकि प्रोटियम के पास जीरो न्यूट्रॉन्स होते हैं. इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 2. इसमें क्योंकि न्यूट्रॉन मौजूद होता है तो इसलिए इसका मास नंबर 2 होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम 1 ही है. द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ट्राइटियम. It contains one proton in the nucleus and there is one electron present in the first orbit. Iske paas ye one proton and one electron hota hai. It has 2 neutrons, lekin iske paas 2 neutrons hote hain. Is wajah se iska mass number differ karta hai. Its atomic number is 1 and mass number is 3. Atomic number 1 hota hai and mass number is 3. Question number 4, give reactions of hydrogen. Ye hydrogen jab in elements ke sath ya in compounds se react karta hai to ye kya form karta hai.
इथीन जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है सो इट फॉर्म इथेन CH3 और CH3C2H6 बनाता है. बेसिकली इथेन बनता है जब इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. कैल्शियम मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्राइड. सल्फर के साथ जब करता है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेट्रोलॉजिकल बैलून्स. मेट्रोलॉजिकल बैलून्स जो हॉट एयर बलून्स होते हैं जो ऊपर जाके वेदर्स को और विंड्स के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं उसकी बनावट के लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है. हाइड्रोजन इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. काफ़ी सारे केमिकल्स को तैयार करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोजन इज यूज एज रॉ मटेरियल टू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरीफाई मेटल्स. मेटल्स जो हमें पहाड़ों से या ज़मीन के नीचे से मिलते हैं उनको निकालना और उनको साफ करने के लिए भी वो इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज सोर्स ऑफ हीट फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स. जो वेल्डिंग के लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहे वाले दुकानों में जो है एक गन टाइप का होता है जिसमें से आग निकल रही होती है ताकि जो दो मेटल्स से वापस में मिले उसको मेल्ट करके मिला सकें वेल्ड कर सकें या उसको कट करने के लिए जो इस्तेमाल होता है तो उस हीट की जो उसकी हीट होती है वो बेसिकली हाइड्रोजन से मिल रही होती है. नंबर 5. हाइड्रोजन इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स तैयार करने के लिए भी हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Sure, hydrogen is a good reducing agent. Reducing agent यानी कि it shows great affinity for oxygen यानी कि वो oxygen के साथ readily जो है react कर लेता है. तो इसके हमें proofs देने हैं in the sense कि हमें बहुत सारे हमें like examples देने हैं इसके. So hydrogen is a good reducing agent. Hydrogen shows great affinity for oxygen and reduces many metal oxide into free metals. यानी जब कोई metal के साथ oxygen react करता है तो उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो रेडिली आसानी से जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है. इस वजह से कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट और प्यूरीफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. जैसे अभी आप लोगों ने यूजेस में देखा दैट हाइड्रोजन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरीफाई मेटल्स. क्योंकि अक्सर मेटल्स के साथ जो हमें ज़मीन से या कहीं और से मिलता है तो उसके अंदर अक्सर ऑक्सीजन की मिलावट होती है. तो उसमें से ऑक्सीजन को निकालना ताकि हमें प्योर मेटल मिले वो हम उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. होता है क्या है कि मेटल ऑक्साइड होता है यानी मेटल के साथ कोई ऑक्सीजन मिक्स रिएक्ट हुआ होता है. जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर तैयार करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर को प्योर करना है तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर हमें प्योर मिल जाता है एंड वाटर मिल जाता है. और टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन जो है अक्सर जो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर फिलामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो टंगस्टन ऑक्साइड में से जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो टंगस्टन अकेला हो जाता है एंड हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो वाटर तैयार करता है. तो इस तरीके से हमने यानी एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव किया है कि जो हाइड्रोजन है वो गुड प्रोड्यूसिंग एजेंट है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन. डिस्क्राइब इट्स रिएक्टिविटी. नेसेंट हाइड्रोजन बताना है कि वो क्या चीज़ है और उसकी रिएक्टिविटी क्या है, किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या वो स्लो रिएक्टर है या बहुत ज़्यादा है अनस्टेबल है स्टेबल है, इस लिहाज से हमें इसको सब बताना. नेसेंट हाइड्रोजन. द एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन. अक्सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होता है. यानी आप लोग इस पर देख रहे हैं यहाँ पे मॉलिकुलर हाइड्रोजन है यानी कि H2 है. लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सिंपली एच जो है एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन. अब इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं. हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन मॉलिकुलर हाइड्रोजन. यानी जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो मॉलिकुलर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इट्स अवेलेबल इन एटॉमिक फॉर्म एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज केमिकली रिएक्टिव. क्योंकि जब वो टाइम ऑफ जनरेशन होता है जिस टाइम वो रिएक्शन से वो प्रोडक्शन में आ जाता है तो उस वक्त जो हाइड्रोजन होता है वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एटॉमिक फॉर्म क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है इसलिए वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉरी वाटर. यानी वाटर की वो वाली प्रॉपर्टीज बतानी है जो हम लोग अपने अपने आँखों से या खुद ही इसको विटनेस कर सकते हैं.
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में नेचर वाटर इज कलरलेस टेस्टलेस एंड ऑडरलेस व्हेन प्योर. जब पानी में मिलावट नहीं होता तो उसका कलर भी नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता एंड उसमें कोई स्मेल नहीं होती. मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर जो है जो आइस फॉर्म में होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो उसको बॉयल करने के लिए प्योर वाटर को नॉर्मल जो उसका स्टैंडर्ड है लाइक 180 प्रेशर में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी अगेन जो स्टैंडर्ड हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है. डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है मैक्सिमम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 40.7 किलो जूल पर मोल. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 336 जूल पर ग्राम और 80 कैलोरीज पर ग्राम. एंड वाटर इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर? What is the significance of this unusual behavior of water? Anomalous behavior of water से क्या मतलब है और इससे हमें क्या फायदा पहुंचता है? Anomalous expansion or anomalous behavior of water. Water at 0 degree Celsius when heated contracts up to 4 degree Celsius. And 4 degree Celsius तक अगर हम water को heat करते हैं तो वो contract होता है instead of expansion. यानी कि normally physics के law के हिसाब से किसी चीज़ को heat करने से वो एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो नॉर्मल फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है. तो इस इररेगुलर एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द फ्लोटिंग ऑफ आइस एक्ट एज इंसुलेशन प्रिवेंटिंग द फ्रीजिंग ऑफ वाटर बिलो इट इंश्योरिंग दैट लाइफ एग्जिस्ट ये सर्वाइव्स. यानी आइस क्योंकि जो है इसके अंदर ये भी वाटर का है तो इसके अंदर तो उस वजह से जो वाटर के नीचे जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होता है, जिसके वजह से जो नीचे जानदार रहते हैं उनकी जान खतरे में नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. हम लोग रिएक्शंस ये बना तो कंप्लीट करना है. Na+2H2O ये बन जाएगा 2Na+2H2O प्लस प्रोड्यूसेस 2NaOH प्लस H2, यानी कि सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नंबर 2, आयरन Fe रिएक्ट्स विद वाटर H2O प्रोड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस H2. क्लोरीन Cl2 रिएक्ट्स विद H2O वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड HClO. Carbon, when reacts with water, produces carbon monoxide and hydrogen. Calcium oxide, CaO plus, when reacts with water, H2O, produces calcium hydroxide, CaOH2. Question number 11, what happens when magnesium metal reacts with hot water? When magnesium reacts with hot water, it produces मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन 11 का पार्ट बी, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन हीटेड ओवर 700 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर? सो व्हेन मीथेन इज हीटेड अबव 700 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूसेस कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन 11 का पार्ट सी, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर गैस इज हीटेड अंडर द प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड or chromium oxide? So when carbon water gas is carbon monoxide and hydrogen gas, when they react under the pressure, high pressure 400 degrees Celsius, ya to zinc oxide ya phir chromium oxide, in dono mein se kisi ek ki maujoodgi mein they will produce methyl alcohol CH3OH in liquid form. What happens when a piece of zinc metal is added to acidic solution of FeCl3? So FeCl3 iron chloride when reacts with nascent hydrogen
ताकि उसका थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन बन जाइए, ठीक है। विद अ पीस ऑफ मेटल उसके ऊपर डाला गया है, सो इट विल प्रोड्यूस फेरिक क्लोराइड, फिटस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हार्डनेस। हाउ इज द हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव? डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर, फिर टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डनेस के हिसाब से उसको रिमूव कैसे किया जाता है, एंड आखिर में हार्ड वाटर हमें क्या नुकसान पहुंचता है। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो वाटर के अंदर मिलावट होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट की, क्लोराइड की और सल्फेट की, और इन ये लोग जो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और वाटर में मिक्स हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस हॉट वाटर। अब हॉट वाटर से को पहचानते कैसे हैं? इट डज नॉट लैदर विथ सोप, यानी जब इसके अंदर साबुन डालते हैं या सर्फ डालते हैं तो उसमें झाग नहीं बनते। इस तरह से पता चल जाता है कि ये वाटर हार्ड है या सॉफ्ट वाटर है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर इज सेड टू बी टेम्पररी हार्ड वाटर व्हेन इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बायकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मौजूद हैं तो ऐसे पानी को हम कहते हैं कि इट हैज टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, वाटर इज सेड टू बी परमानेंटली हार्ड व्हेन इट कंटेन्स सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। यानी कि अगर पानी के अंदर क्लोरीन और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स मौजूद होंगे तो उस टाइप ऑफ वाटर को परमानेंट हार्डनेस उसके अंदर होता है। मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीकेकार है कि इसको या तो बॉयल किया जाता है या फिर क्लार्क मेथड इस्तेमाल किया जाता है। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि हम लोग चूना इस्तेमाल करते हैं और बॉयलिंग में सिंपली उसको पानी को उबाल देते हैं तो जो भी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। और क्लार्क मेथड में हम चूना का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगेन उसमें जो भी गंदगी होती है वो भी नीचे बैठ जाती है, तो साफ पानी ऊपर से हम निकाल सकते हैं। मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीकेकार है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा उस पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो रिएक्शन करता है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसके अंदर पानी जो है उसके अंदर सोडियम सॉल्ट आ जाता है जो आपके हार्मलेस है। यूजिंग जियोलाइट, जियोलाइट को जो इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को कहते हैं परमिटेड प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यानी कि सोडियम जियोलाइट को हम जो है पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर उससे क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है अगेन वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, उसके बाद हम साफ पानी इसमें से निकाल सकते हैं। थर्ड तरीका जो है परमानेंट हार्डनेस निकालने का, दैट इज बाय यूजिंग कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नीशियम आयन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे बैठ जाता है और फिर जो साफ पानी होता है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। हार्ड वाटर का नुकसान क्या होता है कि उससे सोप ज़ाया होता है, लॉस ऑफ सोप होता है, लॉस ऑफ हीट। जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारी हीट ज़ाया हो जाती है क्योंकि उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डैमेज द बॉयलर, बॉयलर ख़राब हो जाता है, और स्टमक डिसऑर्डर एंड डायसेंट्री यानी कि पेट की बीमारी हो सकती है लाइक डायसेंट्री जो है लाइक मोशन वगैरह हार्ड वाटर पानी पीने से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? राइट फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या है और उसके हमें चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। पोर्टेबल वाटर, द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जिस पानी जो पानी पीने के लायक होता है दैट वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगी और कोई टेस्ट नहीं होगा। अगर तीनों कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो यानी वो पानी पीने के लायक है, यानी पोर्टेबल वाटर। नंबर टू, इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी उसके अंदर कोई जर्म्स यानी बैक्टीरिया पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो वो पानी पीने के लायक है, इट्स पोर्टेबल। इट शुड हैव अ पीएच इन द रेंज ऑफ 7 to 8.5। वो न्यूट्रल भी हो सकता है या स्लाइटली अल्कलाइन भी हो सकता है, ऐसे पानी पीने के लायक होते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोरोसिव सब्सटेंसेस, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो सड़ा दे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन?
write the formula of some of the hydrates and what happens when hydrates are heated, and define the heat of hydration. पहले what of crystallization को define करना है, उसके बाद कुछ examples देना hydrates के. Hydrates को heat किया जाता है, तो क्या होता है, और फिर heat of hydrogen को हमें explain करना कि what is that. The molecules of water are loosely bound to the crystals of the salt. These water molecules are known as water of crystallization. जब हम salts तैयार करते हैं by the process of crystallization, तो कुछ water जो हैं वो loosely bind हुए हुए होते हैं with the salts. तो उस पानी को हम लोग कहते हैं water of crystallization. यहाँ पे कुछ examples हैं like copper sulfate, उसके साथ जो water of hydrate, so water of crystallization है that is 5H2O. बेरियम क्लोराइड के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, फेरिक सल्फेट के साथ 7 है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 6 है. तो ये क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टल्स बनाने के बाद, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाने के बाद लूजली बाइंड हुए होते हैं, ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. उसके बाद बताना है कि अगर हम इन हाइड्रेट्स को, जैसे लेट्स सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड 6H2O को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा. द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर इजीली डिसोसिएटेड फ्रॉम द सॉल्ट क्रिस्टल्स बाय हीटिंग एंड देन दे बिकम एनहाइड्रेट. यानी जब हम थोड़ा सा उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो 6H2O उसके साथ अटैच हुआ हुआ है वो भाप बन के उड़ जाता है और फिर उसका जो है वो ड्राई फॉर्म बन जाता है, एनहाइड्रेट फॉर्म बन जाता है. और अब से हीट करने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है. लाइक कॉपर सल्फेट के साथ जब वाटर बाउंड हुआ होता है, बाइंड हुआ होता है, इट इज़ इन ब्लू फॉर्म. लेकिन जब हम उसको हीट करके उसमें से वाटर एवोपरेट करवा देते हैं, इट टर्न्स इनटू वाइट कलर पाउडर. तो यानी कि ये जो हीटिंग होती है उसके ऐसे वाटर उड़ जाता है एंड देन इट फॉर्म्स एनहाइड्रेट या ड्राई फॉर्म. हीट ऑफ हाइड्रेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेट बनाने के लिए जो हमें कम से कम हीट चाहिए होती है, यानी जो हीट उसमें से रिलीज हो रही होती है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन. क्वेश्चन 15, नेम ओनली सम कॉमन ट्रीटमेंट्स टू मेक म्युनिसिपल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. जो म्युनिसिपलिटी से वाटर आता है उसको पीने के लायक बनाने के लिए कुछ जो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो बताने हैं. सम ट्रीटमेंट्स टू मेक म्युनिसिपल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस आर एरेशन, सेटलिंग, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. 5 उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि वाटर को किस तरह से साफ किया जा सकता है. एरेशन में बेसिकली क्या होता है, दैट एरेशन में हम लोग वाटर से, वाटर के थ्रू पास करवाते हैं एयर को, तो उसके अंदर जो गंदगी होती है वो एयर से रिएक्ट करता है एंड उस एयर से क्या होता है, फिर वो सारी गंदगी साफ हो जाती है जो पानी के अंदर मौजूद होती है. सेटलिंग में क्या होता है कि वाटर को हम लोग डाल देते हैं किसी एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर. सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, उसको पूरा रोटेट करवाता है, रोटेट करवाने के बाद वो रुक जाता है. तो इससे क्या होता है, जितने पार्टिकल्स अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो पूरा मूवमेंट के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करता है, तो पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाता है. उसके बाद आते हैं आपके पास कोगुलेशन. कोगुलेशन में क्या करते हैं, हम लोग वाटर से मॉलिक्यूलर आयंस उसमें से पास थ्रू करते हैं, और क्योंकि मॉलिक्यूलर आयंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कि इसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयन से रिएक्ट करते हैं. उससे क्या होता है कि जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज थे वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं, तो वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है. फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं जिससे वाटर को क्लीन करते हैं. क्लोरिनेशन में हम लोग क्लोरिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वाटर प्योर हो सके. क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ नोट ऑन हैवी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सॉरी सब्सटेंसेस. सो हैवी वाटर पे पहले नोट लिखते हैं. हैवी वाटर इज अ ड्यूट्रियम, इज ड्यूट्रियम ऑक्साइड. यानी हैवी वाटर का जो फॉर्म केमिकल फॉर्मूला है दैट इज ड्यूट्रियम ऑक्साइड, DTO. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई यूरी इन 1932. इट इज एन ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज कम्बाइंड विथ हैवी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है हैवी हाइड्रोजन, जिसको ड्यूट्रियम भी कहते हैं. तो जब ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स हैवी वाटर. इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज DTO. इट D2O. इट्स 1.1
times heavier than ordinary water. आम पानी से वो थोड़ा भारी होता है. It shows slightly different physical properties than ordinary water. उसकी जो physical properties है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है normal water से. Hygroscopic substances, a substance which absorbs moisture on exposure to air but does not change to solution state are called hygroscopic substance. ऐसा सब्सटेंस जो अपने इर्द गिर्द से अपने सराउंडिंग से नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले लेकिन उसके साथ वो सॉल्यूशन ना बनाए ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट एटमॉस्फेरिक वाटर ईदर बाय एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन. दे डोंट फॉर्म सॉल्यूशंस यानी सॉल्यूशंस फॉर्म नहीं करते. दे आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स फॉर लेबोरेटरी केमिकल्स एंड मेडिसिंस. लेबोरेटरीज के अंदर या मेडिसिन के लिए हम लोग उसको ड्राइंग एजेंट्स की तरह यूज करते हैं. लाइक सपोज आप लोग जब न्यू शूज खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको एक साशे टाइप का मिलता है जिसके अंदर वाइट कुछ होता है पाउडर या बॉल्स, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जो नमी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है. इस तरह से कुछ दवाइयाँ होती हैं लाइक कैल्सी वगैरह आप देख लें तो कैल्सी की न्यू बॉटल आप खरीदते हैं तो ऊपर ऊपर एक वाइट कलर का साशे होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं. तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जो इर्द गिर्द एब्जॉर्ब जो नमी होती है मॉइस्चर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि मेडिसिन या कोई चीज़ ख़राब ना हो. तो इस पर्पज़ के लिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस काम आता है कि वो ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मॉइस्चर और वाटर. उसके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है फॉर वाटर, इसलिए जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में वाटर मौजूद होता है चाहे मॉइस्चर के फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन एब्जॉर्ब करने के बावजूद वो सॉल्यूशन नहीं बनाता वाटर के साथ. क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब सम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बतानी है. सो नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स. यानी मेटल्स किस तरीके से वाटर सॉरी किस तरीके से मेटल्स से रिएक्ट करता है. विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो खासकर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. They react with cold water to form their hydroxide with the liberation of H2 gas. यानी वो ठंडे पानी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर पाते हैं और जब रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद वो हाइड्रोक्साइड्स तैयार करते हैं अपने और हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करते हैं. With less electropositive metals, react with hot water. यानी उनको रिएक्शन करने के लिए हॉट वाटर हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो रिएक्शन कर सकें. But they liberate hydrogen gas and वो metals इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की तरह वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म ऑक्साइड्स. यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के अंदर हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के अंदर ऑक्साइड्स रिलीज हो रहा होता है. लेकिन दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, प्रोड्यूस होगा वो. रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स. अब नॉन मेटल्स का देखते हैं कि वाटर किस तरह से रिएक्ट करता है. क्लोरीन के साथ क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड HClO. व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है एंड हाइपोक्लोरस एसिड यानी बेसिकली एसिड्स फॉर्म करता है. विद कार्बन व्हेन स्टीम इज पास ओवर हीटेड कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस वाटर गैस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस. यानी कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब हम लोग गर्म कोयले से स्टीम को पास करेंगे तो उससे वाटर गैस यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. विद सिलिकॉन, सिलिकॉन रिएक्ट विद स्टीम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म सिलिकॉन ऑक्साइड. सिलिकॉन को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं वो बेसिकली वेपर फॉर्म में रिएक्ट करवाते हैं इन अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो उसके बाद हाई टेम्परेचर के बाद एंडोथर्मल रिएक्शन के बाद इट फॉर्म्स सिलिकॉन ऑक्साइड. विद कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना के साथ क्विक लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वो थोड़ा सा डिजॉल्व भी हो जाता है थोड़ा सा और फिर डिजॉल्व होने के बाद इट फॉर्म्स स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. विद नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. नेम वाटर बॉर्न डिजीज. डिजीजेस देयर आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर. नेम वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड देयर डिफरेंट कैटेगरीज. उन बीमारियों का नाम बताएं जो गंदा पानी पीने से होता है एंड पानी के जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं इसके नेम्स बताने हैं उनकी कैटेगरीज बतानी है.
सबसे पहले व्हाट इज वाटर बॉर्न डिजीज. वाटर बॉर्न डिजीज आर डिजीज कॉज बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर. गंदा पानी पीने से जो बीमारियां होती हैं दे आर नोन एज वाटर बॉर्न डिजीजेस. उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, डायसेंट्री एंड हेपेटाइटिस, इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस. वाटर पोल्यूटेंट्स के कुछ यहाँ पे उन्होंने टाइप्स मांगे थे. ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, इसमें क्या होता है ऐसे वेस्ट, ऐसा कचरा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है या जिसको साड़ने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं, ऐसे कचरे को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट. अब उससे होता क्या है, जब ऑक्सीजन पानी के अंदर वैसे ही कम मिकदार मौजूद होता है, जब वो कचरा भी जो है ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है तो जो उसके अंदर जानदार रहते हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दे डाए. नंबर टू, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मैन मेड सिंथेटिक केमिकल्स इन लेबोरेटरीज. यानी कि ऐसी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं और जिनको सड़ाया नहीं जा सकता, यानी जो जिंदगी भर रहेंगे. लाइक प्लास्टिक जो है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो जिंदगी भर रहेगा. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कभी हम ऐसा कचरा फेंक देते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं. दीज आर वेस्ट कैरिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पैथोजेनिक का मतलब है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियाँ कॉज करते हो, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेनिक कहते हैं, यानी बीमारी जो कॉज करते हैं. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीथल डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसानों में और जानवरों में ये बहुत खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं. नंबर फोर, एग्रीकल्चरल वाटर पोल्यूटेंट्स, यानी दीज आर वेस्ट विच आर रिलीज एज एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर फसल उगाने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वो पानी में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल होते हैं. लाइक लेट्स सपोज फर्टिलाइजर्स जो है पौधों को देना चाहिए लेकिन अगर वो पानी में मिक्स हो जाता है तो उसके अंदर जो एलजी मौजूद है वो एलजी जो है उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और एलजी आहिस्ता आहिस्ता वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है फिर नीचे जो सनलाइट है या हीट है वो नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उससे अफेक्टेड हो जाते हैं. तो यानी कि एग्रीकल्चर के हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं अगर वो पौधों की वजह पानी में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं और ऑफकोर्स वो वाला पानी फिर पीने के लायक नहीं होता. तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 इज कम्प्लीटेड. अल्लाह हाफिज़.